दुनिया, जहां पर कई लोगों ने काफी नाम कमाया है उन तमाम सीरियल्स के जरिए जो आपके पसंदीदा शो बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक शो रहा जिसका नाम था CID। जी हाँ, टीवी पर CID जब भी आता था तो हर कोई उसका दीवाना हो जाया करता था। CID का एक एक किरदार बेहद ही मशहूर है, वही लाखों के दिलों पर राज किया है CID के हर एक किरदार ने, और उन्हीं में से एक है इस शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद। जी हाँ, आपको बता दें कि आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे दयानंद शेट्टी के बारे में और साथ ही साथ उनकी पत्नी के बारे में। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि CID ने शोज में नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया था और ये शो इतना फेमस हो गया था कि यहाँ पर ऐसे कई किरदार नजर आए जिनके किरदार को लेकर सभी दीवाने हो जाया करते थे। उन्हीं में से एक दया के किरदार ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। इनका रियल नेम है दयानंद शेट्टी। मनोरंजन की दुनिया में देखा जाए तो CID का एक अलग ही नाम रहा है। वहीं आपको बता दें दयानंद शेट्टी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर मुंबई में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 से की थी। इन्होंने टीवी की दुनिया में कई सीरियल्स में काम किया। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है। वहीं सबसे ज्यादा सफलता इन्हें मिली CID से, जिसके लिए लोग आज भी दीवाने हैं और वहीं उन्हें दया के नाम से जानते हैं। आज भी दयानंद शेट्टी को दया कहकर बुलाया जाता है और उनका रियल नेम भी दया से ही शुरू होता है। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम है स्मिता शेट्टी। दिखने में बेहद ही सुंदर हैं, लाइमलाइट से दूर रहती हैं। इनकी शादी को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दयानंद शेट्टी के बारे में, तो करीब 11 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। वहीं इनकी बेहद ही प्यारी सी बेटी भी है और माँ की तरह बेटी भी लाइमलाइट से दूर है। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो इनकी कुछ ही तस्वीरें हैं अपनी पत्नी के साथ की, जो कि वायरल हुई हैं। हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताया किस तरीके की अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दयानंद शेट्टी की लाइफ बेहद ही मशहूर भी रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।